हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका वीरेन के व्लॉग्स में। आज मेरे साथ आपको गुड मॉर्निंग बोलने आई है सानवी। सानवी से गुड मॉर्निंग। अपनी प्यारी स्माइल के साथ अब दिन की शुरुआत करेगी और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सानवी मेरे साथ ऐसे वीडियो स्टार्ट करती है, तो है ना सानवी, अच्छी लगती है ना तू। आज वैसे दोस्तों नाश्ते में मम्मी ने बनाया है पालक और मेथी के पराठे। सानू दोस्तों ट्राई कर रही है खड़े उठने का और वो डर रही है बिकॉज जितनी बार भी ट्राई करती है ना हर बार ही नीचे गिर जाती है। मस्त था पराठा, बहुत अच्छा था। ऑफिस के लिए मम्मी ने मेरे लिए डाइट फूड बनाया है। डाइट फूड जैसे उपमा होता है वैसी ये जो शेवई होता है या शीरा या आप जो भी कह दो उसको मम्मी ने उपमा स्टाइल में बनाया हुआ है। तो ऑफिस पहुँच के जब टेस्ट करूँगा तब पता चलेगा टेस्ट कैसा है, बट आई एम श्योर मम्मी अच्छा ही बनाती है हर चीज़। तो दोस्तों मैं भी अभी तैयार हो जाता हूँ ऑफिस जाने के लिए। 10 बज चुके हैं। काजल फिलहाल बर्तन धो रही है, उसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। और वीना भी अभी फ्रेश हो रही है, मम्मी सानवी को संभाल रही है। देखिए मम्मी का भी वही काम है, अपनी पोती के साथ रहना। सानवी के नखरे दोस्तों चलते रहेंगे, उसके नखरे अगर देखते बैठो ना तो पूरा दिन भी कम पड़े। तो फटाफट तैयार हो जाता हूँ, ऑफिस के लिए निकलता हूँ। दोस्तों मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा है कि मेरे बियर्ड और बाल थोड़े बढ़ गए, तो थोड़ा ग्रूम करने का टाइम तो आ ही गया। तो आज शाम को जैसे ऑफिस से आ जाऊँगा तो सैलून जाके थोड़ा बियर्ड सेट कर दूँगा और बाल भी कटा लूँगा। आज दोस्तों हम लोग एक क्लाइंट के लिए शूट कर रहे हैं। ए वीरेन थोड़ा चल ऐसा, मैं तेरे पीछे जाती हूं। और क्या करने का? देन आई स्टॉप यू लाइक हाउ दे टेक इंटरव्यूज ना ऐसे रोड पे। अच्छा ठीक है, सो यू गो ऑन योर फोन रोड। तो सबसे पहला बकरा मैं हूं, तो मैगी मुझे क्वेश्चन पूछेगी और मैं एक्ट करूंगा। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? अरे कितना टेक हुआ? ये भूल गया। 373 भाई, बहुत टेक ले रहे ना। बहुत टेक। अभी 573। कैमरामैन वीरान के साथ, रिपोर्टर क्रिश। यहाँ पे शूटिंग चल रही है और हम जा रहे हैं वापस काम पे। अरे यार मैगी ना यार। फाइनली दोस्तों मैं घर पे आ गया हूँ सैलून में, सैलून से जाकर। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था काफ़ी अच्छा काटा उन्होंने एक्चुअली। तो महीने में एक बार तो ग्रूम करते ही है और अच्छे से करें तो और भी अच्छा लगता है। तो आई एम हैप्पी उन्होंने अच्छे तरीके से मेरे को ग्रूम करा। मैं तो हो गया दोस्तों नहा धो के एकदम फ्रेश, सारे बाल लगे हुए थे यहाँ वहाँ, तो नहाया तो थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। मम्मी बैठी हुई है, बातें कर रहे हैं हम लोग। बीना अपना काम कर रही है, काजल भी काम कर रही है और सानवी सो रही है। मुंबई में ना दोस्तों सच बताऊँ ना ऐसा पैक हो जाता है ना, वेराज अगर आप गांव में जाओगे, गांव में खुला खुला सा है, आप यहाँ वहाँ जा सकते हो। मुंबई में आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉल जाओगे, खेलने जाओगे, दोस्तों के साथ बाहर जाओगे, पर उसके लिए भी इतने सारे पैसे लगते हैं। गांव में तो क्या है, फ्री में किधर जाओ, फ्री में चाय पियो। किधर भी किसी घर पर जाते नहीं देते, सुबह चाय, गुड़ और चाय देते। हमारे गढ़वाली, हमारे पहाड़ों में तो लोग ऐसे देते, जहाँ पर भी जाओ गुड़ और चाय, गुड़ और चाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज कल रात को दोस्तों बैटरी मेरी लो हो गई थी और उसके बाद फ़ोन चार्ज पे रखने गया और खुद ही सो गया। तो कल पूरी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया मैं। आज वैसे सुबह सुबह मैंने एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल की थी मम्मी के लिए,
बेसिकली मैं चाहता था कि मम्मी की फुल बॉडी चेकअप हो जाए क्योंकि मम्मी की एज भी अभी 51 हो गई है। वैसे दोस्तों मेरा नहा के तो हुआ नहीं है, पर मम्मी ने अपना सुबह सुबह का पूजा पाठ कर लिया है। मेरी बारी है, मैं फटाफट नहा लेता हूँ। दे रहा हूँ, क्या बना रहे हो मम्मी आज? मम्मी मेरे लिए डाइट वाला खाना बना रही है और आज वेंसडे है तो आज मैं अंडा खा सकता हूँ। तो मम्मी मेरे को प्लीज़ अंडा देना आज, बॉयल अंडा कर देगी तो भी चलेगा, कुछ इशू नहीं है। क्यों ऑमलेट नहीं खाएगा? नहीं, रोटी वगैरह कुछ नहीं, ब्रेड भी नहीं। कल रात को दोस्तों सांग भी बहुत जल्दी सो गई थी तो आज टाइम पे उठ गई है और एकदम फ्रेश लग रही है। ये देखिए अपनी दादी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। आमा गबरू, आमा गबरू, आमा गबरू। छोना ही है। दोस्तों मैं अभी ऑफिस का निकल रहा हूँ। बाय 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 शाना। तो दोस्तों आज ऑफिस में हम लोग अभी बस निकलने ही वाले हैं तो हमने सोचा थोड़े देर एक फन सेशन हो जाए। तो हम लोग हमारे कोलीग है मैगी, उसको उसके साथ हम लोग एक प्रैंक करने वाले हैं। तो वो प्रैंक क्या है हम आपको बताएंगे। तो गाइज अभी हमारा ऑफिस टाइम ख़त्म हो चुका है तो हमारे पास कुछ स्पेयर टाइम बाकी है घर जाने से पहले। तो हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सा फन एक्टिविटी करेंगे जिसमें सारी टीम बैठ के अपने अपने गोस्ट स्टोरीज या अपने हॉरर इंसिडेंट्स अब सबके साथ शेयर करेंगी। तो सबसे पहले हॉरर स्टोरी शेयर करेगा विरान, उसके बाद मैं। तो पहला स्टोरी मेरे एक अंकल हैं, उनसे शुरू होती है। ठीक है, तो मेरे अंकल हैं वो रिक्शा ड्राइवर थे, वो रहते हैं कांदीवली में। ठीक है, और एवरीडे रात को नाइट शिफ्ट में वो रिक्शा चलाते हैं क्योंकि उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है रात को। तो एक बार उनको एयरपोर्ट, अपना जो विले पार्ले वाला एयरपोर्ट है वहाँ का एक राइड मिला, तो उन्होंने वहाँ पे ड्रॉप किया वो लोग को और रिटर्न में अकेले आ रहे थे। तो जो मेरे संतोष अंकल है वो उनको दो राइड मिला, उन्होंने बिठाया, वो लोग आपस में बात कर रहे थे, कॉर्पोरेट वाले थे तो नॉर्मली बात कर रहे थे। तो अंदर से शुरू हुआ, फिर गोरेगांव तक पहुँचे, आर्य कॉलोनी के पास उसको एक रास्ते में लड़की दिखी। ठीक है, वो ऐसा लिफ्ट मांग रही थी, रो रही थी, तो रिक्शा वाले ने साइड पर रुका दिया गाड़ी और पूछने लगा क्या हो गया। तो वो लड़की बोली कि प्लीज़ मेरे को आगे तक छोड़ दो, हॉस्पिटल में मेरा हस्बैंड एडमिट है। तो रिक्शा वाला अचानक से स्पीड में भागने लगा। ठीक है, रुकाया ही नहीं उसने, मलाड क्रॉस हुआ, कांदिवली क्रॉस हुआ, फिर कांदिवली पे जाके उसने रुकाया। तो ये दोनों पीछे से उसको कब से चिल्ला रहे कि भाई क्यों नहीं रुका, क्यों नहीं रुका रहे, उसको हेल्प करना था, गाली वाली दे रहे इसको। बोला भाई आपने उसके पैर देखे उल्टे थे। तो ये दोनों पीछे हंसने लगे जोर जोर से, बोलते तूने हम लोग के पैर देखे। फिर वो संतोष अंकल बेहोश हो गए और फिर अभी वो रिक्शा रिक्शा नहीं जाना। एक और एक्चुअली विरान की स्टोरी ना बहुत खतरनाक है, क्योंकि तो एक स्टोरी इसने मुझे अभी आज ही बताई और सच में ना मैं बहुत डर गया था उसकी स्टोरी को सुनकर। तो बेसिकली ये उसी के बिल्डिंग की स्टोरी है, विरान रहता है सेकंड फ्लोर पे और एक फैमिली है, मुस्लिम फैमिली है जो फिफ्थ फ्लोर पे रहती है। ठीक है, तो बैक स्टोरी ऐसी है कि 20 साल पहले एक फैमिली थी जिसमें माँ, दो लड़के और हस्बैंड नहीं था। ठीक है, तो उस वक्त 20 साल पहले डायमंड के इन्वेस्टमेंट पे ना बहुत चर्चा थी कि डायमंड में इन्वेस्ट कर, जैसे भी बिटकॉइन है, गोल्ड है। ठीक है, तो उस वक्त कहते थे कि डायमंड में इन्वेस्ट करो। तो उस औरत ने क्या किया, डायमंड में इन्वेस्ट किया और उसका रिंग बना लिया और रिंग पहनती थी वो। 20 साल के बाद उम्र हो गई तो उनकी डेथ हो गई उम्र की वजह से। ठीक है, तो डेथ हो गई तो आपके रिलीजन में कैसा होता है कि उनको फिर बरी किया जाता है। बरी करने के बाद दोनों भाइयों को याद आया कि अंगूठी तो माँ के हाथ में ही थी, तो अब क्या करें। तो एक ने सजेशन दिया कि चलो कुछ तो कबर खोद के करते। तो एक रात वो दोनों गए और वहाँ पर उन्होंने, जहाँ पे उनकी मम्मी को बरी किया था वहाँ पर उन्होंने खोदा और देखा कि अंगूठी वहाँ पे ही थी। ठीक है, बट कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था बरी करके, बट डेड बॉडी क्या थी ना, सूख जाती है मरने के बाद। तो उन्होंने उंगली से अंगूठी को निकालने को ट्राई किया
बट वो निकलने गई थी बिकॉज बॉडी में सूजन आ गया था, तो मैंने ट्राई किया कि निकल जाए किसी सेफ तरीके से, बट वो निकल ही नहीं रही थी, उनको मजबूरन उंगली को तोड़नी पड़ी। तो दोनों भाइयों ने बेच के अपना अपना हिस्सा ले लिया। तो हिस्से में ऐसा हुआ कि एक ने लोनावला में बंगला बना लिया और एक ने कर्जत में बंगला बना दिया। तो एक बार उन्हें क्या, वो लोग क्या कर रहे थे, दोनों भाई ट्रैवल कर रहे थे और साथ में ट्रैवल कर रहे थे, घर की ओर जा रहे थे। तो अचानक से उनको एक लड़की मिली जो उनकी तरफ भागते हुए आई और लिफ्ट मांगने लगी, रुकाने लगी उनकी गाड़ी को। तो उन्होंने रुका दिया गाड़ी अपना, और वो लड़की ना हल्का सा उसके ना माथे पे चोट आया था और वो ब्लीड कर रही थी हल्का हल्का, और कपड़े उसने वाइट पहन रखे थे और लाइक अच्छी दिख रही थी, बाल गर्ली थे बट थोड़ी इंजर्ड थी। तो उन्होंने क्या किया, उसको लिफ्ट दिया, और बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको मेडिकल लेके गए, क्लिनिक लेके गए जहाँ पे उसका जल्द से जल्द इलाज हो जाए। उन्होंने कहा कि अभी रात काफ़ी हो गई है, इसका घर क्योंकि अभी पता ही नहीं रही है अपने बारे में। उन्होंने कहा ठीक है, आज की रात तुम हमारे यहाँ पे ठहर जाओ, उसके बाद कल सुबह शायद वो नॉर्मल हो जाए तो बता देगी कि कहाँ रहती है। घर जैसे ही पहुँचे उन्होंने पानी का ग्लास रख दिया उसके लिए, फ्रूट्स वूट्स के टेबल पर, बोला कि तू रिलैक्स हो, ब्लैंकेट वैंकेट दिया और बोला तू देखो जो चाहिए ले ले। तो उसने क्या किया, क्विकली ग्लास, पानी का ग्लास लिया और पानी पी रही। अचानक से एक भाई को नोटिस हुआ कि भाई उस बंदे की उंगली नहीं है। तो हो उस बंदी ने मतलब जैसे उसको पूछा कि भाई तू तेरी उंगली किधर है, उंगली क्या हो गई तेरी, तो वो बोलती है कि उंगली मेरी तुम्हें तोड़ी थी, मेरी तुम्हें तोड़ी थी। पूरा कैप्चर हुआ क्या उधर, इन लोग दोनों के लिए मैंने उधर पे कैमरा लगवाया। मैगी हाउ वाज, मैगी हाउ वाज द सेशन, यू लाइक्ड इट? बहुत ही बेकार हो तुम लोग यार, डरा दिया, मेरा हार्ट धक धक कर रहा है। अंकिता, अंकिता कैसा लगा, झुरझुरी आई कि नहीं? महफूजा कुछ तो बोलिए। मिशन अकम्प्लिश्ड, मिशन अकम्प्लिश्ड, बहुत ही अच्छा, वेरी नाइस। राहुल वाज इन देयर, अभी विवेक बुलाएगा मैं नहीं आऊंगा। अबे धक 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 हो रहा है, धक 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 सर, बट मैंने ठंडी हो गई यार, मैं हाथ ही कितना ठंडा हो गया। दोस्तों मैं अभी जस्ट घर पे आया हूँ और आज का दिन काफी अच्छा था। आपने देखा ही किस तरीके से हमने प्रैंक किया मैगी के साथ और काफ़ी मज़ा आया, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस ब्लॉग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए सी या।